जय बोले की जय। तो बोले कहाँ से आ रहे हो आप लोग? दिल्ली से हो? भगवान की जय। जय बोले की। हरिद्वार से कई दिन हो गए चलते चलते? शुक्रवार को उठाया था। शुक्रवार को उठाया था। चलो आपकी यात्रा मंगल में हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह के 6:30 बज गए हैं। तो अभी वैसे थोड़ी देर पहले तो बारिश हो रही थी, लेकिन अब सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है वो मेरठ से हुआ है। तो कल हम मेरठ आए थे घर पर, और वो तो मैंने आपको हालत दिखाई दी थी कि शहर की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। मतलब पूरे शहर पे पानी है। मतलब इतना बुरा हाल था कि बस पूछो मत क्या, मतलब कैसे हम निकल के आए अंदर बाजार, मतलब शहर में से तो घर तक पहुँचे। और अभी भी हमारे घर के चारों तरफ मतलब पानी भरा हुआ है। बाहर इधर उधर जो ये प्लॉट खाली पड़े हुए हैं ना, तो उसमें पानी मतलब फुल ऐसे हो रहा है, रोड के लेवल में आ रहा है। तो अभी सूर्यदेव दिखाई दे गए हैं मॉर्निंग में। और अभी जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मेरठ से, तो अभी नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं और नाश्ता पानी अभी करते हैं। तो खाने में अभी हमारे कचौरी बनी है, तो अभी नाश्ता पानी मतलब खा के बना के निकलेंगे। तो वैसे नाश्ता तो खैर बन चुका है, नीरू ने बना लिया है। तो जैसे ही कि बताया कि मौसम अभी आज शांत है, सुबह 5:30 बजे हम उठे थे तो बारिश तो हो रही थी, लेकिन फिलहाल मौसम अब सही है, धूप दिखाई दे गई है। और मेरा नहाना धोना हो चुका है, तो इनसे बोलती हूँ कि भाई चलो नहा लो जल्दी से, फटाफट तैयार हो जाओ, निकलना है। तो उसके बाद फिर निकल रहे हैं। और मैंने इस दुपट्टे को रात धो के सुखाया था क्योंकि कल बारिश में भीग गया था। तो चलो अभी ऊपर का गेट बंद करती हूँ और उसके बाद फिर नीचे चलती हूँ। इनसे पूछती हूँ कितनी देर में रेडी हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक बात ज़रूरी कहनी है कि फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पूनम यादव व्लॉग से मेरा चैनल है, तो उसको आप उस पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पर जो न्यू है वो भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी चलो हम नीचे मिल रहे हैं, नीचे जाके। गाइस, मैं नीचे आ गई हूँ। तो नीचे मेरा बेड पे सामान फैला हुआ है, तो जो रात में कल हमारे कपड़े भीगे थे तो वो धो के सुखाए थे, तो फैन की तो ज़रूरत ही पड़ी क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो रहा है, तो फैन की तो जरूरत है। तो कपड़े मेरे सूखे भी नहीं, वैसे मशीन में मैंने सुखा दिए थे लेकिन सूखे नहीं थे। तो चलो इन्हें रास्ते में सुखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। चलो, तो थोड़ी देर में आगे मतलब जैसे जैसे वीडियो बनेगी वैसे वैसे आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि कहाँ पे जा रहे हैं। तो वैसे तो खैर मैं बता दूंगी आपको कहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चलो, अब ये गए नहाने और हम थोड़ी देर में मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं तैयार हो चुका हूँ और पूनम भी तैयार हो गई है और अपना नाश्ता आ गया है, ये देखिए। तो सुबह बारिश का पूरा वो हो रहा है, मौसम बन चुका है, बारिश भी हो चुकी है। और सुबह सुबह अपना कचौरी और चाय, साथ में अचार, तो करते हैं गर्मा गर्म नाश्ता और फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो मिलते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 6:30
और हम निकलने वाले हैं अपनी मंजिल की तरफ। और उससे पहले गर्मा गर्म नाश्ता आ गया है, नहा धो के तैयार हो गए हैं, तो बैग भी पैक हो चुका है, थोड़ा बहुत पैकिंग रह रही है वो कर लेते हैं और साथ में नाश्ता करने के बाद निकलते हैं। तो ये अपना नाश्ता रेडी है, साथ में गर्मा गर्म चाय, कचौरी और अचार। तो नाश्ता करके अपना फिर मिलते हैं आपसे आगे रास्ते में, तब तक के लिए बाय बाय। क्यों क्या हो गया? तो गाइस हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में, 8 बज गए हैं। तो एक बार मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो वैसे तो दिखता नहीं है इसमें अच्छे से, देखो 6:06 हो रही है। तो अभी हम घर से निकल रहे हैं, तो बैग क्या रह गया? ये रखो अपना, अभी तो इनका कुछ ना कुछ रह जा रहा है। चलो इसको रखो, अभी तो इनका कुछ ना कुछ रह जा रहा है। तो वो आप आइए, मैं निकल रही हूँ नीचे, तो मैं जा रही हूँ नीचे। आई तो आप मतलब मौसम भी अच्छा हो गया है, फिर धूप निकल गया है, तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो चुका है मौसम में। देखो तो मैं नीचे जा रही हूँ, हेलमेट वगैरह लेना। तो गाइस यहाँ पे हमारे बैग पैक हो चुका है, ये रख लिया बैग और चश्मा ले लिया, साथ में फोन ले लिया। तो अभी निकल रहे हैं। क्या हो गया, कहाँ गई हैं, क्या हो गया? हो गया तैयार? चलो तो जल्दी अपना बैग उठा लो और निकलो, और हेलमेट भी ले लिया है गाइस। चलिए तो भी हम चल रहे हैं। तो बाइक की से ही जा रहे हैं अभी, तो इनका बैग तो यार टक चुका है बिल्कुल। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पे, तो यहाँ से निकालने हैं पैसे, कुछ खर्चे के लिए चाहिए भाई। तो पेट्रोल तो डलवा लिया है, ये देखिए पेट्रोल पंप पे चढ़े हैं, अब ये जा रहे हैं, बाइक को साइड में लगा दिया। तो गाइस हम निकल गए हैं घर से बाहर, मतलब हाईवे पे पहुंच गए हैं, उधर की साइड है। तो उधर जा रहे हैं भोले, मतलब जो कावर लेके आ रहे हैं लोग, तो वो उधर देखो हम दूसरी साइड में हैं इधर से। तो आप बताएंगे अभी कहाँ पे जा रहे हैं? अभी फिलहाल रुक गए हैं एक जगह, अभी जरा सेटअप कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अभी इनका कुछ सेटअप नहीं हुआ था घर पे, तो अब इनको याद आया कि क्या सेटअप करना है। तो पहले तो हमने ये डाटा लिया है, क्योंकि डाटा फोन का बिल्कुल खराब हो रहा था, तो न्यू लिया है। तो फोन की हर हर महादेव, हर हर शंभु। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया होगा, ड्रेस भी चेंज हो गई है अपनी, और इधर देखिए सब। तो हम भी बाबा भोले के ये जल लेने जा रहे हैं, यानी कि हरि के द्वार, हरिद्वार, और दिखाते हैं आपको नए नए नज़ारे। चलते हैं फिर हरिद्वार और करके आते हैं गंगा स्नान और जल ले के आते हैं। जय बाबा की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभू। ले गया अपनी वो दिखाने को, यहाँ पे लेना है फ्लैग, यहाँ पे झंडा ले लिया भोले वाला है, यही वाला दे दो ना। हमने यहाँ पे लगवा लिया है हर हर महादेव का झंडा, जो कि हमको रास्ता आसानी से मिल पाएगा। यहाँ पे देखिए इस फ्लैग लग गया, अच्छे से बंधवा लेना, दो तीन जगह से टच दिया मैंने, कहा परेशान ना हो रोड। हाँ अभी अभी स्टार्टिंग ही करिए।
बाबा का निशान लगा दिया है, अपनी बाइक पे भोले बाबा विराजमान हो गए हैं और जा रहे हैं अपना हरिद्वार।
जय भोले की, जय भोले की। तो भोलेनाथ कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? फरीदाबाद से आ रही हैं। फरीदाबाद से। तो आपकी जो यात्रा हो रही है वो कई दिन से चली हुई है यहाँ तक पहुँचने में? हम 14 तारीख में पहुँच जाएंगे। 14 तारीख में पहुँच जाएंगे। हरिद्वार से कई दिन हो गए चलते चलते? हम शुक्रवार को उठाया था। शुक्रवार को उठाया था। चलो आपकी यात्रा मंगल में। जी खाना हो गया? हो गया तो चलो, चाय भी खत्म हो गई, खाना भी खत्म हो गया और हरिद्वार रह गया 40 किलोमीटर, है ना। तो ये हम अपना नाश्ता पानी लेके आ चुके थे घर से, कचोरी भैया के यहाँ से हमने चाय बनवा ली थी। और ये सामने पूरा मेला जा ही रहा है, मेला बाबा का मेला लगा हुआ है, भोले बाबा का। हाँ जी, भूख लग रही थी। हाँ तो सही है, काफी टाइम हो गया, सुबह के चले हुए हैं। 1 बज गया होगा ना? एक बज गया, सुबह के चले हुए हैं। भूख लग रही थी, थोड़ी चाय ले लेते हैं, जो लेके आए अपने खाने के लिए वो खा लेते हैं। वही रास्ता पानी का रास्ता कुछ उतर लिया था, भूख लग रही थी जोर से, तो वही खाया। तो फ्रेंड्स हम चल दिए अपने चाय वगैरह अपने पी के हम चल दिए। तो अभी हमारा आधा सफर हो चुका है, आधे से ज़्यादा हो गया है। तो अभी फिलहाल बाइक पे बैठ के अब चलते हैं, अपना सफ़र तय करते हैं भाई। चलो भाई, और इधर जा रहा है भोले का जो भव्य मेला चल रहा है, सावन का, सावन का भव्य मेला, तो वो सभी जा रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है जो सुबह से मैं देखती आ रही हूँ। काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। रास्ते का ये नहीं पता चला कि कब मैं रास्ता मतलब आधे से ज़्यादा रास्ता निकल चुका है। और 100 किलोमीटर से ऊपर चलती है, 100 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला 100 किलोमीटर कब पे मेरा मतलब रास्ता ये निकल गया है। तो अभी देखिए आप कितना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है। भोले
सब भोले आराम कर रहे हैं और हम भी पानी के लिए रुके हुए हैं। तो एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं इंडियन ऑयल के, तो मैंने कहा चलो पानी ले लेते हैं यहाँ से, ठंडा है ना, और यहाँ पे भोले आराम कर रहे हैं। जिनको जहाँ जगह मिलती है भोले वहीं पे विश्राम करने लग जाते हैं।
जल जल भरे हुए हैं, बारिश हो रही है काफी भारी यहाँ, तकड़ी बारिश है, सब गाड़ियाँ ऐसी गाड़ियाँ सब पानी में खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं पतंजलि योग पीठ, ये फर्स्ट है वो सेकंड था, बाबा रामदेव का पतंजलि पी योग पीठ नंबर वन है, हमारा फर्स्ट है नंबर वन ही फर्स्ट। हाँ तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारे पड़ोसी भी आए थे। फ्रेंड्स हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं, वैसे ये देखिए ये भी बाबा रामदेव का ही है, तो काफी बड़ा है, बोलो इसको वो मत करो ज्यादा बड़ा मत करो, जो लिटरेचर एम ए संस्कृत ग्रामर एम ए फिलोसफी योगा साइंस ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट बीएससी, ये तो सारा कॉलेज बनाया हुआ है, कॉलेज है हाँ, यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, ये तो सही है यार, बढ़िया है। गंगे, तो दोस्तों अब आ गए हम हरिद्वार और सामने है गंगा मैया और बहुत सारे भोले के भक्त शिव भक्त जा रहे हैं, ये देखे जहाँ भी दिखाई देंगे शिव भक्त ही दिखाई देंगे, भोले भोले दिखाई देंगे, पूरे रास्ते में और दिखाते भी हैं। गंगा माँ भी पूरे उफान पे चल रही है और थोड़ा पानी तो वो आ रहा है पहाड़ों वाला पानी आ रहा है जो मतलब मिट्टी वाला पानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा है बरसात के मौसम में तो आता ही है, हाँ बरसात भी बहुत भी है। अब हमें देख हमें एक रूम लेना है, पता नहीं कहाँ से मिलेगा, ये देखिए सब भोले जा रहे हैं और अब सामने पहाड़ भी शुरू हो गया देखने के लिए, ये बोलेगी पूरा साथ यही तक का लिया। तो फ्रेंड्स देखिए पहाड़ों का नजारा, हम हर पहाड़ी में पहुंचने वाले हैं, फोन खराब ना हो जाए बारिश देखिए नई तरीके की कावर है, बहुत बड़ी मिसाल। अभी हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग फ्रेंड्स, तो पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगाते हैं, उसके बाद करते हैं बाइक को, बाइक को पार करके देखते हैं हर की पैड़ी जाएंगे और स्नान करेंगे, वो तो वहाँ हर की पैड़ी पे देख लेंगे है ना। तो दोस्तों आ गए हम हरिद्वार, पार्किंग में बाइक लगा दी है और अब जा रहे हैं हर की पैड़ी और गंगा स्नान करेंगे, और इसको वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय बोले की।